हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल टूअर। दोस्तों, आज हम लोग लेके आए हैं एडिटोरियल सेक्शन। इसमें हम लोग आपको डेली एडिटोरियल कैसे आपको पढ़ना है ये आपको बताएंगे। इसके लिए हम लोग जो एडिटोरियल सेक्शन का जो आपका द इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर है उस पर जो एडिटोरियल सेक्शन है उसमें से जो मेन कंटेंट रहता है उसको हम यहाँ पर लेके आते हैं। तो ये डेली आपके लिए लाया जाएगा। जैसे आज आपका 26 अक्टूबर का जो इंडियन एक्सप्रेस है उसका आज एडिटोरियल सेक्शन यहाँ पे हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे। लाइन बाय लाइन हम लोग डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ उसकी मीनिंग्स भी जो आपकी एग्जामिनेशन में कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन पूछी जाती है तो वो भी देखते हुए चलेंगे। तो इससे आपको दोनों चीज़ों का फायदा होगा कि आपको मीनिंग्स भी पता चलती चलेंगी, साथ ही साथ एक एडिटोरियल कैसे पढ़ा जाता है इस चीज़ का भी रियलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल रुकिए, मैं अपना जो पॉइंटर है उसको ऑन कर लेता हूं। इसकी हेडिंग है दोस्तों, सीबीआई इज डेड, लॉन्ग लिव सीबीआई। मींस सीबीआई एक तरह से खत्म हो गई है, अब उसकी आत्मा की शांति के लिए ऐसी प्रार्थना की जा रही है। तो ये एक तरह का हेडिंग है, एक तरह का कटाक्ष है कि सीबीआई इज डेड, लॉन्ग लिव सीबीआई। इट इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट एट द टॉप दैट डिफाइन द ब्यूरो बट इट्स इन्वेस्टिगेटर एंड स्टाफ। इसका मतलब है दोस्तों कि इट इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट। अब दोस्तों, यहां कॉन्फ्लिक्ट आया है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब जो होता है कि स्ट्रगल फॉर पावर। मीन्स इट इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट एट द टॉप दैट डिफाइन द ब्यूरो। कहने का ये मतलब है कि जो एक सीबीआई है, जो एक पूरा एक उनका ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसको कोई जो अभी इस समय जैसा वहाँ पे लड़ाई वगैरह हो रही है, आपस में ही लड़ाई हो रही है, तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं, जो लड़ाई हो रही हैं, उसकी वजह से सीबीआई नहीं जाना चाहता है। सीबीआई अपने जो इन्वेस्टिगेटर्स है जो वहाँ पे और जो स्टाफ है उसकी वजह से सीबीआई जाना चाहता है। जितना हम लोग सीबीआई को जानते हैं, और जब भी कुछ ऐसा होता है कि कोई ऐसा कांड होता है जो कोई नहीं चेक कर पाता है कि इसका असली जो कल्प्रिट है, जो दोषी है, वो कौन है, तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आता है कि इस केस को सीबीआई को दिया जाए। तो वही चीज़ यहाँ पे जो लेखक है वो ये कहना चाह रहा है कि सीबीआई कोई एक छोटे मोटे संघर्ष या छोटा मोटा जो स्ट्रगल हो रहा है पावर के लिए, जो लड़ाइयाँ हो रही हैं आपस में, उसकी वजह से नहीं जाना जाता, बल्कि ये जो वहाँ के कर्मचारी हैं, जो डिवोटेड कर्मचारी हैं, जो स्टाफ्स हैं, उनकी वजह से सीबीआई आज इस मुकाम पे खड़ा है कि सबको उसमें विश्वास है। दोस्तों, पहली लाइन यहाँ पे कि द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सेल सर्वाइव, द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सेल सर्वाइव। तो ये एक तरह से यहाँ पे कहा जा रहा है कि सीबीआई जितना भी इस समय वहाँ पे स्ट्रगल हो रहा है, जो आपसी घमासान हो रहा है, लेकिन उन सब से निकल के सीबीआई बाहर आएगा, ऐसा जो राइटर है वो सोचता है। अ फ्यू बैड लीडर्स एट द टॉप कैन डैमेज द एजेंसी फॉर सम टाइम बट हैविंग वर्कड इन द ब्यूरो आई कैन से विद सर्टेनिटी दैट इट इज मेड ऑफ स्ट्रॉन्गर स्टेप देन व्हाट द मीडिया थिंक्स। दोस्तों, ये कह रहा है सेकेंड लाइन में, अ फ्यू बैड लीडर्स एट द टॉप कैन डैमेज द एजेंसी फॉर सम टाइम। कहने का मतलब है कि जो ऊपर जो लीडर्स बैठे हैं वो डैमेज कर सकते हैं इस एजेंसी को, लेकिन कुछ ही समय के लिए, ज़्यादा समय के लिए नहीं। कहने का मतलब है कि जो सीबीआई है वो फिर से ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को खड़ा करेगी, जो विश्वास है लोगों के बीच में वो फिर से पैदा होगा। तो उनका यही कहना है कि जो लीडर्स हैं, जो चल रहा है लड़ाई अभी इस समय, जो टॉप पे बैठे हुए आपसी जो उनके बीच में चल रहा है, जैसे आपको पता होगा कि जो डायरेक्टर और उनके नीचे जो हैं उनमें अभी कुछ लड़ाई हुई थी, तो उसी के पीछे कह रहा है कि अ फ्यू बैड लीडर्स एट द टॉप कैन डैमेज द एजेंसी कुछ ही समय के लिए, बट हैविंग वर्कड इन द ब्यूरो, जो लेखक है वो खुद यहाँ पे काम किया है, तो आई कैन से विद सर्टेनली दैट इट इज मेड ऑफ स्ट्रॉन्गर स्टफ। अब लेखक कहना है कि क्योंकि मैं इस सेंट्रल जो सीबीआई है मैं उसमें खुद काम कर चुकी हूँ, तो मैं आपको ये भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि ये जो बना हुआ है सीबीआई ऑर्गेनाइजेशन, ये स्ट्रॉन्गर स्टफ से बना है। कहने का मतलब स्टफ मीन्स होता है तत्व, कि ये एक बहुत ही
कठोर तत्वों से बना है, इन सब छोटे मोटे लड़ाइयों की वजह से ये खत्म नहीं होने वाला है। देन वॉट द मीडिया थिंक्स, कि जो मीडिया को लग रहा है ऐसा बिल्कुल नहीं है, या जो मीडिया दिखाना चाह रही है कि अब सीबीआई का अस्तित्व खतरे में है, खत्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई वुड लाइक टू शेयर सम ऑफ द रीजंस फॉर माय स्ट्रांग बिलीफ। लेखक का कहना है कि आई वुड लाइक टू, मैं आपको अपने कुछ रीजंस इसके पीछे के आपको देना चाहती हूँ विथ माय स्ट्रांग बिलीफ, जो मेरा खुद का आत्मविश्वास वहां पे रह के पैदा हुआ था उसके पीछे का मैं आपको अभी आगे उदाहरण प्रस्तुत करूंगी। डिस्पाइट द करंट एटमॉस्फेयर ऑफ अनाउंसिंग द डिमाइस ऑफ द प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटर एंड द एजेंसी, मैं उदाहरण पेश करूंगी उन रीजंस का कि मैं ऐसा क्यों सोचती हूँ। डिस्पाइट मीन्स इसके बावजूद, डिस्पाइट मीन्स इसके बावजूद कि जो अभी वहां पे घमासान लड़ाई चल रही है उसके बावजूद मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये जो एजेंसी है ये उभरेगी। सेकेंड पैराग्राफ देखते हैं, इसमें लिखा है द फाउंडेशन ऑफ द सीबीआई आर स्ट्रॉन्ग। फाउंडेशन मीन्स होता है कि जो उसकी नींव है सीबीआई एजेंसी की वो बहुत ही स्ट्रांग है। ऑफिसर्स हैव टू पास थ्रू टफ यूपीएससी, जो ऑफिसर्स बनते हैं सीबीआई के उनको बहुत ही टफ एग्जामिनेशन, जो कि आपको पता होगा यूपीएससी का एग्जामिनेशन पास करके ही वो वहां पे पहुंचते हैं। कंडक्टेड एग्जाम्स फॉर देयर इंडक्शन, इंडक्शन मीन्स कि उनको वहां पे दाखिला होता है। एंड द बेसिक ट्रेनिंग इन इन्वेस्टिगेशन इज बोथ इंटेंस एंड इंटेंसिव। यहाँ पे इंटेंस एंड इंटेंसिव का मतलब क्या हुआ कि बहुत ही गंभीर, जो हम लोग कहते हैं गहन, वो कि जो जो रीजन दे रहा है यहाँ पे लेखक वो ये कह रहा है, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि सीबीआई फिर से उभरेगा क्योंकि जो फाउंडेशन है सीबीआई की वो बहुत ही स्ट्रांग है। ऑफिसर जो वहां बनते हैं वो बहुत ही कठिन एग्जामिनेशन यूपीएससी का वहां पे क्रैक करके आते हैं, तब उनका वहां पे सिलेक्शन होता है। इसके बाद उनको एक बेसिक ट्रेनिंग जो कि इन्वेस्टिगेशन में होती है वो देनी पड़ती है, जो ट्रेनिंग खुद अपने आप में बहुत ही गंभीर ट्रेनिंग होती है। दे फॉर्म द कोर ऑफ द एजेंसी, दे फॉर्म द कोर ऑफ द एजेंसी एंड हैव अ डीप इन्वॉल्वमेंट इन देयर केस विद जस्टिफिएबल प्राइड इन देयर इन्वेस्टिगेशन स्किल। ये जो हैं, ये जो ऑफिसर्स हैं, ये उस कोर को बनाते हैं। मीन्स कोर का मतलब होता है दोस्तों कि जो बहुत ही कठोर फॉर्म होता है, जो इंटरनल भाग होता है, मतलब कि एक तरह से नींव जो होती है, तो ये जो ऑफिसर इतनी कठिन ट्रेनिंग दे के आते हैं वो लोग इसका कोर बनाते हैं, इस एजेंसी का कोर बनाते हैं, और उनका बहुत ही डीप इन्वॉल्वमेंट होता है इस केसेस में, और वो उतने ही जस्टिफिएबल प्राइड से, कहने का मतलब वो उतने ही आत्मविश्वास से उस इन्वेस्टिगेशन को करते हैं जिनसे उनका इन्वेस्टिगेटिंग स्किल बढ़ता है। अब लेखक आगे कहता है कि शुक्ला जी हु वर्कड विथ मी इन द इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग, कि शुक्ला जी जो थे वो मेरे साथ खुद काम किए थे इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग में जब ये लोग पोस्टेड थे मुंबई में। वॉज अ क्वाइट एजेंशियल इन्वेस्टिगेटर, तो ये जो शुक्ला जी थे जो इनके साथ काम किए थे इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में, जो कि यूनिट थी मुंबई में, वो बताती हैं कि ये खुद एक विशिष्ट थे, मीन्स वहां पे लीडर थे वो उस टीम के, वो बहुत ही लो प्रोफाइल थे। थ्रू इन थॉरो इन हिज नॉलेज, मीन्स वो बहुत ही सिंपल रहते थे, उनका नॉलेज बहुत ही ज्यादा थॉरो था लॉ और प्रोसीजर में। ही एंड हिज लाइक विल नॉट लेट द सीबीआई डाउन, तो उसका कहना है कि अभी चाहे जितना भी शुक्ला जी जो हैं उन पे जितने भी लग रहे हैं कि यही इन्होंने ऐसा किया वैसा किया ऐसा करके घमासान जो चल रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुद उनके साथ काम की हूँ, तो वो जब हम लोग साथ में थे इकोनॉमिक ऑफेंस विंग मुंबई में, तो मैंने खुद देखा कि किस सादगी से रहते थे, और उनका जो नॉलेज था लॉ और प्रोसीजर में, जो इन्वेस्टिगेशन में जो उनका नॉलेज था वो बहुत ही अच्छा था। इसलिए मैं साफ कह सकती हूँ कि ऐसे लोग कभी भी सीबीआई को, जो जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसको कभी भी नीचे नहीं आने देंगे, ऐसा जो लेखक है वो रीजन दे रहा है अपने तर्क के पीछे।
माई सुपरिटेंडेंट इन द ईओडब्ल्यू वीरेंद्र फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वॉज ड्रीडेड द मोस्ट बाई इकोनॉमिक ऑफेंडर्स। अब आगे लेखक कहता है कि जो मेरे सुपरिटेंडेंट थे ईओडब्ल्यू में, जो वीरेंद्र जी थे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से थे और वो ज़्यादातर इकोनॉमिक ऑफेंडर्स से ही वहाँ पे उनका सामना रहता था। माइल्ड मैनर्ड, हार्मलेस टू लुक एट, बहुत ही माइल्ड मैनर्ड पे रहते थे और बिल्कुल भी हार्मफुल वो नहीं थे। ही कुड स्मेल एन इकोनॉमिक ऑफेंस फ्रॉम ए किलोमीटर अवे, वो इतने तेज थे कि वो 1 किलोमीटर दूरी से ही अगर कोई ऑफेंस होने वाला है, कोई वहाँ पे कुछ गड़बड़ी करने वाला है तो उसको वो सूंघ लेते थे। तो ही विल विथ स्टैंड प्रेशर ऑफ एनी मैग्नीट्यूड टू कीप दी एजेंसी अफ्लोट। तो लेखक कहता है कि इस तरह के जो ऑफिसर होते हैं वो विथ स्टैंड प्रेशर मीन्स कोई भी प्रेशर वो झेल सकते हैं इस तरह का कि उनकी एजेंसी जो है, मीन जो CBI एजेंसी है, उनमें कोई भी दाग ना आने पाए। आगे लेखक कहता है ही एंड हिज कोलीग्स फ्रॉम डिफरेंट सर्विसेज हैव इनरिच्ड द ब्यूरो विद देयर एक्सपर्टीज एंड टेकन इट टू अ लेवल फार हायर देन इफ इट हैड बीन एन एजेंसी कंसिस्टिंग ओनली ऑफ पुलिस ऑफिसर्स। तो लेखक कहता है कि ऐसे जो ऑफिसर हैं उन्होंने इस CBI को एक ऐसे मुकाम पे पहुंचा दिया जहां पे वो ना होता जो एजेंसी है अगर इसमें केवल पुलिस ऑफिसर्स ही काम करते। दे विल डिफेंड द BDO अगेंस्ट onslaughts फ्रॉम डिफरेंट क्वार्टर्स। तो लेखक यहाँ पे कहता है कि ये जो ऑफिसर हैं वो इस ब्यूरो को, जो एजेंसी है, उसको वो बचाएंगे अगेंस्ट onslaught फ्रॉम डिफरेंट क्वार्टर। onslaught का दोस्तों मतलब होता है आक्रमण, कि अगर जिस तरह का भी आक्रमण है, भले वो घर का जो आपसी विवाद है या बाहर से कोई विवाद है या कोई पॉलिटिकल उसमें वो चल इन्वेस्टिगेशन चल रही, तो इन सब चीज़ों से वो इस एजेंसी को दूर रखेंगे और उसका बचाव करेंगे। देन देयर आर द लाइक्स ऑफ माई पर्सनल असिस्टेंट इन दिल्ली। फिर लेखक आगे अगले पैसेज में कहता है कि देयर आर द लाइक्स ऑफ माई पर्सनल असिस्टेंट इन दिल्ली। वो कहता है कि जो मेरे पर्सनल असिस्टेंट थे उसकी तरह भी लोग वहां पे हैं दिल्ली में। रियलाइजिंग दैट आवर मिडनाइट एंटी करप्शन रेड अगेंस्ट अ पावरफुल ब्यूरोक्रैट हैड नो फीमेल प्रेजेंस एंड व्हेन आस्क्ड टू एकम्पनी द रेडिंग टीम शी डिड सो विदाउट बैटिंग एन आई। उसका कहना है कि रियलाइजिंग दैट आवर मिडनाइट एंटी करप्शन रेड, अगर मैं याद करूं, रियलाइजिंग मीन्स कि मैं याद करूं कि जब हमने आधी रात को एंटी करप्शन रेड डाली थी तो उस समय जो पावरफुल ब्यूरोक्रेट्स थे उनके यहाँ जब हमने रेड डाली थी तो हमारे में कोई भी फीमेल नहीं प्रेजेंट थी, कोई भी ऑफिसर फीमेल नहीं प्रेजेंट था। और व्हेन आस्क्ड टू एकम्पनी द रेडिंग टीम, और जब हमने उसको कहा, जो मेरी फीमेल असिस्टेंट थी, और जब मैंने उसको कहा कि हमें एक फीमेल असिस्टेंट चाहिए, एक ऑफिसर चाहिए रेड करने के लिए, तो वो इतनी बहादुर ऑफिसर थी कि उसने बिना पलक झपकाए, विदाउट बैटिंग एन आई, बैटिंग मीन्स पलक झपकाए, बिना पलक झपकाए उसने हामी भर दी। तो ऐसे वहाँ पर निडर लोग हैं CBI में, लेखक ये कहना चाहता है। टुडे शी इज डिप्रेस्ड एट द स्टेट ऑफ द अफेयर्स। उसका कहना है कि आज लेकिन वो बहुत ही उदास है जिस तरह का वहाँ पे विवाद चल रहा है और जैसा एजेंसी का नाम गड़बड़ हो रहा है, उछाला जा रहा है मीडिया में। बट आई एम श्योर शी वुड स्टैंड अप एंड बी काउंटेड विथ ऑल हर माइट, बी काउंटेड विथ ऑल हर माइट अ सिंबल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ऑफ द ब्यूरो दैट एक्सेल्स इन इट्स वर्क एंड डेडिकेशन। लेकिन लेखक आगे कहता है, लेकिन मैं श्योर हूँ कि शी वुड स्टैंड अप, कि वो उठेगी और अब काउंटेड विथ ऑल हर माइट, और वो अपने पूरे दम खम से वो उसको फिर से कोशिश करेगी, काउंट करेगी। अ सिंबल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ऑफ द ब्यूरो दैट एक्सेल्स इन इट्स वर्क एंड डेडिकेशन।
वो अपने दमखम से फिर से जो ब्यूरो है जो कि जाना जाता है अपने वर्क और डेडिकेशन के लिए, उसको फिर से खड़ा करेगी। दे विल नॉट अलाउ द सी बी आई दे विल नॉट अलाउ द सी बी आई टू सिंक डिस्पाइट द एफर्ट्स ऑफ अ फ्यू एट द टॉप। और वो सी बी आई को डूबने नहीं देगी, चाहे जितना भी टॉप पे बैठे हुए जो कुछ लोग हैं जो ऐसा चाहते हैं कि सी बी आई खत्म हो जाए, वो कभी भी ऐसा नहीं होने देगी। फिर इसके लेख का अलग अपने पैराग्राफ में बोलते हैं, हाउ कैन आई फॉरगेट माई प्रोसिक्यूटर बाबू हु लिटरली बर्न द लेट नाइट ऑयल टू स्टडी द इन्वेस्टिगेशन पेपर्स एंड गिव स्टडीड ओपिनियंस ऑन पॉइंट्स ऑफ लॉ। फिर आगे लेखक कहता है कि मैं अपने उस प्रोसिक्यूटर बाबू को कैसे भूल जाऊं हु लिटरली बर्न द लेट नाइट ऑयल। लेट नाइट ऑयल दोस्तों कहने का मतलब है, ये एक तरह से प्रोवर्ब है, फ्रेज है आपका, कि जो देर रात तक कठिन परिश्रम करता है, हु लिटरली बर्न द लेट नाइट ऑयल टू स्टडी द इन्वेस्टिगेशन पेपर्स। तो लेखक कहता है कि मैं अपने प्रोसिक्यूटर बाबू को कैसे बोल जाऊं जो देर रात तक इन पढ़ते रहते थे, स्टडी करते थे इन्वेस्टिगेशन पेपर्स के लिए, और इसके बाद अपने बहुत ही किफायती ओपिनियंस जो लॉ पे थे वो हमको बताते थे। हिज हैंड होल्डिंग ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एंड द डेडिकेशन ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स एंड लॉ ऑफिसर्स विल सी द ब्यूरो थ्रू इट्स बैड टाइम्स। उनका कहना है कि जो उसका हैंड होल्डिंग ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, हैंड होल्डिंग मीन्स जो उसकी पकड़ थी एज अ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, और जो उसका डेडिकेशन था इन्वेस्टिगेटर का, वो ब्यूरो के लिए जरूर काम आएगा इस खराब घड़ी में। दिस कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्ड इन्वेस्टिगेशन बाय सीबीआई ऑफिसर्स एंड द थॉरो नॉलेज ऑफ इट्स लॉ ऑफिसर्स हैज अर्न द एजेंसी अ हायर कन्विक्शन रेट देन एनी अदर पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री। आगे लेखक कहता है कि दिस कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्ड इन्वेस्टिगेशन बाय सीबीआई ऑफिसर्स, कि ये जो एक कॉम्बिनेशन है स्किल्ड इन्वेस्टिगेशन जो सीबीआई ऑफिसर्स का, जो उनकी इन्वेस्टिगेशन करने का जो स्किल है, और जो थॉरो नॉलेज है वहाँ के जो लॉ ऑफिसर्स हैं उनका जो एक नॉलेज है, थॉरो नॉलेज है, वो उसका जो कॉम्बिनेशन है उसने जो इस सीबीआई एजेंसी को टॉप पे लाके खड़ा कर दिया है, कंट्री के सबसे टॉप पे लाके खड़ा कर दिया है कि अगर कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिस पे हम आंख मूंद के विश्वास कर सकते हैं तो वो है सीबीआई। और वो किस लिए हुआ? क्योंकि जो कॉम्बिनेशन है वहाँ के सीबीआई ऑफिसर्स के इन्वेस्टिगेशन स्किल का और जो लॉ ऑफिसर्स है उनके नॉलेज का, उसकी वजह से। फिर लेखक कहता है कि दीज बडीज विल सेल थ्रू द रफ टाइम्स, आई हैव नो डाउट। उसका कहना है कि ये जो बडी हैं, बडीज मीन्स दोस्तों की एक तरह का तरीका होता है अपने कलीग्स को या जो यूनिट है उनको रिप्रेजेंट करने का, कि दीज बडीज, ये जो ऑफिसर्स हैं, ये जो आपके लॉ ऑफिसर्स हैं, सीबीआई ऑफिसर्स हैं, तो ये सब क्या है कि जो ये खराब टाइम है इसको ये पार कर जाएंगे, और मुझे ऐसा बिल्कुल भी डाउट नहीं है, इस बात में बिल्कुल डाउट नहीं है कि वो पार नहीं कर पाएंगे, वो आराम से इस बुरे वक्त को पार कर जाएंगे। द फॉरेंसिक विंग ऑफ द एजेंसी विथ इट्स डीप नॉलेज रिसर्च एंड द स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट हैज़ बीन द बैकबोन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय द सीबीआई। जो फॉरेंसिक विंग है इस एजेंसी की, अपने डीप नॉलेज, अपने गहन अध्ययन, रिसर्च और द स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट, और जो उसको हर स्टेट के बारे में जो एक तरीका है उनका रिसर्च करने का, किसी भी क्राइम में डीप नॉलेज लेने का, वो एक बैकबोन रहा है। डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय द सीबीआई, वो एक बैकबोन रहा है जब भी सीबीआई ने कोई इन्वेस्टिगेशन की हो, अलग अलग तरह के जो सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन की और उनको सही से उनका सॉल्व किया, बी इट साइबर क्राइम या तो साइबर क्राइम हो, और फॉलोइंग द ट्रेल ऑफ शेल कंपनीज, या किसी कंपनी के रिकॉर्ड में जो इकोनॉमिक्स उनके में है वो चीज़ों पे कोई चीज़ पाया जाता है, तो या तो क्राइम जो साइबर क्राइम हो रहे हैं, या कोई ऐसी कंपनी का पीछा करना कि
कि जो पैसे लेके भागने के फिराक में हो ऐसे करके, तो उसमें सीबीआई कभी भी पीछे नहीं रही है। और ये क्यों हुआ है, क्योंकि जो फॉरेंसिक विंग है इस एजेंसी की, उसके नॉलेज, रिसर्च, स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट की वजह से सीबीआई ऐसा करने में सक्सेसफुल रही है। फिर राइटफुली प्राउड ऑफ देयर स्किल एंड देयर प्रेजेंटेशन ऑफ साइंटिफिक एविडेंस इन कोर्ट्स, द फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स यूज टू प्रेशर ऑफ ऑल काइंड विल इमर्ज स्ट्रॉन्गर आफ्टर द करेंट टर्मऑयल। अब जो लेखक है वो कहता है कि राइटफुली प्राउड ऑफ देयर स्किल्स एंड देयर प्रेजेंटेशन ऑफ साइंटिफिक एविडेंस इन कोर्ट। लेखक का कहना है कि मैं बहुत ही सकारात्मक तरीके से, बहुत ही गर्व महसूस करती हूँ कि जो इन्होंने एक स्किल्ड तरीके से साइंटिफिक एविडेंस कोर्ट में प्रूव किए हैं, पेश किए हैं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स यूज टू प्रेशर ऑफ ऑल काइंड्स विल इमर्ज स्ट्रॉन्गर आफ्टर द करंट टर्म ऑयल। जो ये एक्सपर्ट्स हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं, इन्होंने जो सबूत पेश किए हैं बहुत अच्छे तरीके से, ये सारे प्रेशर को किनारे करके इमर्ज मीन्स निकलेंगे, बाहर आएंगे, स्ट्रॉन्गर मीन्स और बलशाली बनके आफ्टर द करंट टर्मऑयल। टर्मऑयल मीन्स होता है दोस्तों चेओस। चेओस मीन्स कि आपसी जो विवाद चल रहा है, जो इतना कंफ्यूजन चल रहा है, जो इतनी लड़ाई हो रही है, इसके ऊपर ये फिर से जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है ये फिर से निकल के आएंगे। फिर दोस्तों राइटर कहता है, सो डियर सिटीजन रेस्ट अश्योर्ड द कोर ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिमेन्स स्ट्रॉन्ग। कहता है कि जो डियर सिटीजन, कि जो नागरिकों को वो बोध कर रहा है, कि आप ये बिल्कुल लिख के रख लें, एश्योर हो जाएं कि जो कोर है, मीन जो टीम है, जिनकी नींव है सीबीआई की, वो हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेगी। यस द इंटरनीस वॉर्स एट द टॉप कैन डैमेज द ब्यूरो बट हैविंग वर्कड इन इट आई सी इट इमर्जिंग स्ट्रॉन्गर। अब इसका कहना है कि हाँ, जो उनके इंटरसीन मने होता है दोस्तों आपसी वॉर्स मीन्स लड़ाई, जो आपसी लड़ाई है, जो टॉप लेवल पे आपसी लड़ाई हो रही है, मैं मानता हूँ कि जो डैमेज हो रहा है सीबीआई की छवि को वो हो रहा है बिल्कुल। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं खुद यहाँ पे काम कर चुकी हूँ, तो मैं इसको ऐसे देख रही हूँ कि जब इसके बाद सीबीआई की एजेंसी बाहर निकलेगी तो वो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मीन्स मानसिक सशक्त होके वो निकलेंगे। द बेसिक फ्रेमवर्क इज इंटैक्ट बट सम एलिमेंट्स आर इंडीड इरोडेड। जो उनका बेसिक फ्रेमवर्क है वो आज भी मीन्स जो इतने कर्मचारी हैं वो आज भी एक यूनिट की तरह काम करते हैं। इंटैक्ट मीन्स होता है कि एक साथ मिलके, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं इसमें जो हाँ, जो अब खत्म होंगे, खत्म हो जाएंगे। मीन्स इरोडेड मीन्स होता है दोस्तों खत्म हो जाना। दैट हैज हैपेंड इन द पास्ट टू, और ऐसा पहले भी हो चुका है। समटाइम्स इन पब्लिक व्यू बट मोस्टली इन क्वाइट रूम ऑफ सीबीआई वेयर प्रेशर फ्रॉम माइटी पॉलिटिशियन और द टॉप लीडरशिप हैज बीन ब्रॉट टू बाईपास द इन्वेस्टिगेटर। लेखक कहता है कि ऐसा पहला भी हो चुका है, कभी कभी तो पब्लिक के सामने, और ज्यादातर हम जो सीबीआई है उनके बंद कमरों में ही होता रहा है ऐसा प्रेशर, ऐसा माहौल। क्योंकि जो ये प्रेशर आता है कई बार पॉलिटिशियंस की तरफ से या जो कोई टॉप लीडर है उनकी तरफ से, जब भी प्रेशर आया तो ऐसे तरह के सिचुएशन बनी है। लेकिन जो ये एजेंसी है बार बार उन सब चीज़ों को दरकिनार करके वो ऊपर निकली है, पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हुई है। मिसडायरेक्ट और इवन किल अ केस, और जब पॉलिटिशियन या टॉप लीडर्स का दबाव आया है कि इस इन्वेस्टिगेटर को रोक दिया जाए या उसको गलत डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश की गई, यहाँ तक कि कई केसेस को बंद करने की भी कोशिश की गई, तो ऐसा प्रेशर पहले भी महसूस किया गया है। एज इज वेल नोन दिस मोस्टली हैपेंस इन केसेस इन्वॉल्विंग बिग विंग्स। बिग विंग्स मीन्स होता है दोस्तों कि बड़े अपराधी, तो ऐसा ज़्यादातर तभी हुआ है जिसमें बड़े अपराधी शामिल हों। सिंस ईच केस पासेस थ्रू डिफरेंट फिल्टर्स एंड हायरार्कीज, इन मोस्ट केसेस द इंटीग्रिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन हैज बीन मेंटेन। आगे लेखक कहता है कि क्योंकि इस तरह के केसेस जो है वो पास हुए हैं डिफरेंट फिल्टर्स,
एंड हायरार्कीज लेवल। हायरार्कीज मीन्स होती है दोस्तों कि एक जो लेवल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, जो लेवल है टॉप टू बॉटम, कहने का मतलब अगर सबसे ऊपर ऑफिसर्स होता है, उसके नीचे कुछ उसके नीचे काम करने वाले ऑफिसर्स होते हैं, तो इस तरह करके नीचे तक का जो सीन होता है, ठीक है, एक पियोन तक का सीन होता है, ये पूरा एक हायरार्की लेवल होता है। तो उसका कहना है कि सिंस ईच केस पासेस थ्रू डिफरेंट फिल्टर्स एंड हायरार्कीज, इन मोस्ट केसेस द इंटीग्रिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन हैज़ बीन मेंटेन्ड। कि ज़्यादातर केसेस में बहुत बार ऐसा आया कि जो टॉप लीडर्स हैं, जो टॉप पे बैठे हुए हैं, उन्होंने प्रेशर बनाने की कोशिश की, लेकिन हर बार ये जो है एजेंसी है, इसने अपनी इंटीग्रिटी मीन्स जो अपना खुद का स्वाभिमान है वो, और जो उनके कार्य जो करने का तरीका है, उसको इन्होंने भी बिल्कुल भी भंग नहीं होने दिया, अपनी इंटीग्रिटी को भंग नहीं होने दिया, और उसको हमेशा मेंटेन करके रखा। दी वॉचफुल हायर जुडिशरी हैज ऑल्सो स्टेप्ड इन मेनी अ टाइम हैज कम डाउन हेवली व्हेन द एजेंसी सीम्स टू बी लेजिंग स्टीम। और बहुत सी बार जो हमारी हायर जुडिशरी है उसको खुद इसमें आना पड़ा, और जब उसने देखा कि एजेंसी क्या है कि सीम्स टू बी लूजिंग स्टीम मीन्स कि वो अपना धैर्य खो रही है या उसमें बहुत प्रेशर आ रहा है जिसकी वजह से वो काम सही तरीके से नहीं कर पा रही है, तो यहाँ पे हायर जुडिशरी ने भी कई बार मदद की इनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए। फिर इंस्टेड ऑफ एंजॉयिंग द सीबीआई वर्सेस सीबीआई वॉर बुलेटिन ऑफ द लास्ट वीक, लेखक कहता है कि आप सीबीआई वर्सेस सीबीआई जो पिछली सप्ताह चला, ठीक है, आप उसको इंजॉय ना करके, इट इज इन आवर इंटरेस्ट टू स्ट्रेंथन द फंडामेंटल ऑफ द ब्यूरो। हमारे इंटरेस्ट में है कि दोस्तों हम इस सीबीआई का जो आपसी मतभेद चल रहा है उसको, उसकी हंसी उड़ा के और उसमें शक करके हमें कुछ फायदा नहीं मिलना, बल्कि हमें चाहिए कि हम जो उनके फंडामेंटल्स हैं उनको और स्ट्रेंथन करने में मदद करें। द सिलेक्शन प्रोसीजर ऑफ ऑफिसर्स ऑन डेप्यूटेशन टू द ब्यूरो नीड्स अ डेफिनेट इम्प्रूवमेंट। कि जो सिलेक्शन प्रोसीजर है ऑफिसर का जो डेप्यूटेशन में आते हैं इस एजेंसी में, उनका एक इम्प्रूवमेंट होना चाहिए कि वो किस तरह से उनको यहाँ पे लिया जाए। द सिलेक्शन कमिटी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ ऑफ द सीबीआई नीड्स टू डू ही इट्स होमवर्क एसिडियसली। जो कमिटी है उसको, जो सीबीआई का सिलेक्शन करते हैं, अपॉइंटमेंट करते हैं, उनको अपना होमवर्क एसिडियसली मीन्स होता है दोस्तों मेहनत, कि अपना जो होमवर्क है वो उन्हें मेहनत से करना चाहिए कि किस तरीके से एक सीबीआई का डायरेक्टर का रिक्रूटमेंट होना चाहिए या अदर स्टाफ का रिक्रूटमेंट होना चाहिए, इसमें उन्हें और मेहनत करके ढंग से एक स्ट्रक्चर लाने की ज़रूरत है। मोर ऑफिसर्स फ्रॉम द डिफरेंट सर्विसेज एंड विद डाइवर्स बैकग्राउंड नीड्स टू बी इंडक्टेड। लेखक कहता है कि और ऑफिसर्स अलग अलग सर्विसेज से, अलग अलग बैकग्राउंड से नीड्स टू बी इंडक्टेड। इंडक्टेड मीन्स लिए जाने चाहिए, अपॉइंट किए जाने चाहिए। ट्रेनिंग ऑफ ऑफिसर्स ऑन द लॉ एंड प्रोसीजर नीड्स फर्दर स्ट्रेंथनिंग। अब जो वहाँ के ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रेनिंग लॉ और जो प्रोसीजर होती है, जो तरीका होता है किसी भी इन्वेस्टिगेशन का, नीड्स टू बी फर्दर स्ट्रेंथनिंग मीन्स और स्ट्रेंथन तरीके से उसकी ट्रेनिंग वगैरह पे वर्क करना चाहिए। द फॉरेंसिक विंग नीड्स मोर इंफ्रास्ट्रक्चर। जो फॉरेंसिक विंग है, ये फॉरेंसिक विंग है, इसको और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। द स्पीडी ट्रायल ऑफ केसेस बाय हैविंग मोर जजेस एंड जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स टू बी परस्यूड इन अर्नेस्ट। जो स्पीडी ट्रायल होते हैं केसेस के, उसके लिए और जजेस का और जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें और होनी चाहिए ताकि ये सारे केसेस जल्दी से जल्दी वो वहाँ पे सॉल्व हो सकें। परस्यूड इन अर्नेस्ट मीन्स वहाँ पे वो ख़त्म हो सकें, अर्नेस्ट मीन्स जल्दी से। लेट कंसंट्रेट ऑन दीज इंस्टेड ऑफ ग्लीफुली वॉचिंग टीवी एंड रीडिंग इन द प्राइम मीडिया अबाउट द फाइट अमंग द माइटी। आगे लेखक कहता है कि हम लोगों को इन सब चीज़ों पे, इन सब मुद्दों पे कि इस एजेंसी को कैसे बढ़ावा देना है, उस पर हमें कंसंट्रेट करना चाहिए, ना कि हमें जो वहाँ पे ग्लीफुली वॉचिंग टीवी, ग्लीफुली मीन्स प्रसन्नतापूर्वक, या हम मजे ले रहे हैं किसी चीज़ का, उसको कहते हैं ग्लीफुली वॉचिंग टीवी।
टीवी को हम वॉच कर रहे हैं या हम प्रिंट मीडिया में इस न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ रहे हैं कि आपसी जन की लड़ाई हो रही है और हम उस पर मजा ले रहे हैं, तो ये नहीं हमें करना चाहिए। इट इज दे हु हैव फीट ऑफ डे फीट ऑफ क्ले नॉट द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। लेखक का कहना है कि ये इनके आपसी लड़ाई है ना कि सीबीआई की। नीचे लिखा हुआ है द राइटर इज डायरेक्टर जनरल ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जो राइटर है इस लेख का वो डायरेक्टर जनरल है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। तो दोस्तों ये था तरीका आपका एक एडिटोरियल पढ़ने का। अगर ये पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करिएगा, और डेली जे आपको 8 to 9 PM के बीच में एक एडिटोरियल पोस्ट डेली न्यूज़पेपर का आपको ऐसे ही मिल जाएगा। इसके लिए सिंपली आपको करना है कि हमारा चैनल डूअर आपको सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ इसका जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करिए ताकि आपको जो भी वीडियो अपलोड होती है वो आपको समय रहते मिल जाए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।